अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आपका कुक विद शबाना में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मलाई से मक्खन से घी निकालने की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मलाई को मैंने रात में ही फ्रीज़र से निकाल कर रख लिया था और अब मैंने इसको फेंटना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने वह एक गिलास पानी यूज़ किया है पहले और इसको फेंटना शुरू कर दिया है। तो देखिए थोड़ी देर ही फेंटा है मैंने और ये मक्खन अलग होने लगा है, और एक गिलास पानी मैंने बाद में भी डाला है इसमें। तो ये दो गिलास पानी डालकर मैंने अच्छे से मक्खन को अलग कर लिया है। तो मलाई मैं फ्रीज़र में रखती हूँ तो पूरी फ्रेश ही होती है, इसमें स्मेल वगैरह कुछ नहीं होती। और मैंने सिंपल पानी डाला है इसमें, जो नॉर्मल यूज़ करते हैं हम घड़े का, वही पानी यूज़ किया है। तो बस बटर अलग करने के लिए सिर्फ वेदर का ही हमें मालूम होना चाहिए कि गर्म है या ठंडा मौसम है, उस हिसाब से हम पानी का यूज़ करते हैं। अगर गर्मी होती है तो फिर हम ठंडे पानी का यूज़ करेंगे, फ्रिज के पानी का यूज़ करेंगे, बर्फ़ वाले पानी का यूज़ भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा गर्मी है तो, और अगर नॉर्मल मौसम है तो फिर हम नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बस ये जो आप देख रहे हैं यही भरकर मैंने मलाई निकाली थी, मतलब इतनी मैंने कलेक्ट की थी मलाई को, इकट्ठा कर लिया था। और इतनी मलाई में अब देखिए कितना घी निकलता है। तो ये मक्खन तो मेरा बनकर तैयार हो चुका है। मैंने नॉर्मल पानी डाला है इसमें दो गिलास और इसको अच्छे से फेंट लिया है। तो आप बीटर में भी फेंट सकते हैं, विस्क भी ले सकते हैं, या आप मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बीटर का यूज़ किया है और मक्खन काफ़ी अच्छे से निकल चुका है। तो आप जैसे चाहें वैसे, आपको कम्फर्टेबल हो उस हिसाब से आप मक्खन को अलग कर सकते हैं। तो बस ये अलग हो चुका है, इसको साफ़ कर लेती हूँ और अब हाथों से मैं इसको अलग करूँगी। इसमें बटर मिल्क भी आ चुका है क्योंकि मैंने पानी का यूज़ किया है, और मैं इसको अलग रख लूँगी क्योंकि मुझे कढ़ी बनानी है। तो ये देखिए मक्खन अलग हो चुका है, हाथों से मैं अच्छे से इसको दबा कर अलग कर लूँगी। तो ये कैसरोल में निकालने वाली हूँ आज मैं घी को, तो मैं इसी में कलेक्ट करूँगी सारा मक्खन और इसी को फिर मैं इंडक्शन पर रख दूँगी। तो बस इसी में मैं निकाल लेती हूँ मक्खन को। तो ये अच्छे से मैं धो धो कर निकाल रही हूँ मक्खन को, और ये साफ़ पानी में ही मैंने लिया है और इसका मुझे घी निकालना है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी मतलब आप रखना चाहते हैं या ब्रेड वगैरह के लिए, गाय के लिए, तो आप इसको अच्छे ठंडे पानी में अच्छे से धो लें, क्योंकि हम इसे ज़्यादा टाइम के लिए तो स्टोर नहीं कर सकते हैं, बस 4-5 दिन रख सकते हैं। तो बस थोड़ा सा मैं अलग रख लूँगी, बाकी ये मैंने देखिए इसमें सब निकाल लिया है मक्खन को, अच्छे से पानी अलग कर दिया है इसका, और बटर मिल्क भी मैंने अलग कर लिया है। तो बस इसको अभी मैंने इसी में निकाल लिया है क्योंकि घी हम इसी में बनाएंगे। तो ये मैंने अभी परचेस किया है कैसरोल, और ये देखिए मैंने इंडक्शन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है और मीडियम हीट पर ही हम इसको बनाएंगे घी को। अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो गैस पर भी आप मीडियम ही आँच रखें इसकी, तो बहुत अच्छे से घी निकलेगा। वैसे गैस पर हम बनाते हैं तो छींटे वगैरह बहुत उड़ते हैं, टाइल्स गैस सभी चीज़ें गंदी हो जाती हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ये कैसरोल में बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यूज़ करके। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कुकवेयर चेंज करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि कौन सा कुकवेयर ख़रीदें। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी अच्छा कुकवेयर सेट है। तो यह आईवेल का है और सेरेमिक कोटिंग वाला है, 2.5 mm इसकी थिकनेस है, गोल्ड कलर में है ये, और मेटल इसके जो हैंडल दिए हुए मेटल के हैं। काफ़ी अच्छा मतलब कुकवेयर सेट है ये, तो मैंने मंगाया है कैसरोल सेट, और ये इंडक्शन बेस है तो काफ़ी अच्छा है और मैं इसको इंडक्शन पर ही यूज़ करूँगी। तो ये मैंने मक्खन भी अलग कर लिया है, बटर मिल्क भी अलग कर लिया है, मैंने थोड़ा ही निकाला है क्योंकि हम इसे ज़्यादा टाइम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसको 15 मिनट हो चुके हैं, मीडियम मतलब फ्लेम रखी है मैंने इसकी, और ये देखिए बिल्कुल मक्खन अब अलग होने लगा है और थोड़ा ही इससे वेस्टेज निकलता है, ज़्यादा वेस्टेज नहीं निकलता है। जितना हम मलाई से निकालते हैं उसमें वेस्टेज ज़्यादा निकलता है। तो ये देखिए आप 15-20 मिनट हो चुके हैं और ये वेस्टेज देखिए आप बिल्कुल कम निकला है इसका, घी बनकर तैयार हो चुका है। तो बस थोड़ी देर ही मैं इसको और रखूँगी और फिर मैं इसको ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं एक बार छानूँगी और थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद एक बार और भी छान लूँगी इसको। तो बस घी तो हमारा बनकर तैयार ही हो चुका है, बस 2-3 मिनट और लगेंगे। और जो मैंने मलाई से भी घी निकालने की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूँगी, तो वहाँ जाकर आप चेक कर लेना। वो मैंने सिर्फ मलाई से ही बनाया था और आज मैंने मक्खन निकाल कर घी बनाया है। और ये मैंने कैसरोल जो मंगाया है इसका भी रिव्यू आपको दे दिया मैंने कि किस तरह का है, बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट मुझे। क्योंकि सभी के लिए प्रॉब्लम होती है कि अगर कुकवेयर सेट अगर कुछ ख़रीदना है, परचेस करना है, तो प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सा ख़रीदें। तो बस इसी वजह से मैंने ये भी
बता दिया आपको कि बहुत ही अच्छा है ये कुकवेयर सेट। अगर आप भी परचेस करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ जाकर आप चेक कर लेना। और ये देखिए आईवेल का है और 4 लीटर कैपेसिटी है इसकी। सेरेमिक कोटिंग है, 2.5 mm थिकनेस है इसकी, गोल्डन कलर है, 6 मंथ की वारंटी है इसकी। और इसके हैंडल जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और ये इंडक्शन बेस है, मैंने खास इसको इंडक्शन के लिए मंगाया है क्योंकि गैस वगैरह पे तो ये कोटिंग वगैरह ख़राब हो जाती है। और बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट मुझे, आप हैंडल भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं और मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा है। आप भी परचेस कर सकते हैं। इसकी सफ़ाई भी देखिए कितनी आसानी से ये साफ़ हो गया है। मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है लिक्विड वगैरह, सिर्फ पानी बॉइल किया है और इसकी सफ़ाई भी बहुत ईजी है। तो आप भी परचेस कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और घी बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है, आप देख सकते हैं मैंने अभी इसमें घी बनाया है और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने इसमें भी घी बनाया है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो आप भी परचेस कर सकते हैं। मिलूंगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।